अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उमैर अहमद ख़ान और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 सेकंड ईयर की बुक को स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। और ये बेसिकली चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि ये जो आपकी बुक का नाम है सेकंड ईयर का, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो सिर्फ इस चैप्टर की वजह से जो है वो इसका नाम जो है वो बुक का यहाँ पर दिया गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है। अब जो लोग मैट्रिक से सेकंड ईयर में मैट्रिक उन्होंने पढ़ी, उन्होंने सी पढ़ी, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एज्यूम की होंगी कि सी और सी प्लस प्लस तकरीबन सेम ही है और सिर्फ उसके अंदर कुछ चीज़ों का डिफरेंस है, ठीक है, जो कि माइनर ही हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है। लेकिन जो मेन चीज़ आपको सी या सी प्लस प्लस में मिलेगी, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी बेसिकली जो है वो सपोर्ट नहीं करती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ठीक है, और जबकि जो सी प्लस प्लस है वो सपोर्ट करती है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टेक्निक को, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ये कहते हैं कि जो रियल लाइफ की एंटिटीज़ हैं, ठीक है, उनको मॉडल करना, उनको स्ट्रक्चर करना आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, उस हवाले से चैप्टर नंबर 8 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट जो है वो आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने पहले देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स क्या होते हैं, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा एरेज़ क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों को पता लगा कि फंक्शंस के अंदर कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं, तो हम लोगों ने सीक्वेंशनल आर्किटेक्चर्स पढ़े, हम लोगों ने फिर कंडीशनल आर्किटेक्चर पढ़े, ठीक है, ब्रांचिंग आर्किटेक्चर पढ़े, फिर हम लोगों ने लूप का स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एरे का पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मेथड्स को देखा, फंक्शंस को देखा, ठीक है। आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या चीज़ है। इसमें हम बेसिकली ये डिस्कस करते हैं कि जो आपकी रियल लाइफ की एंटिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उसको हम मॉडल कर सकें, ना कि आप वो सारी चीज़ें जो नंबर्स और वेरिएबल्स को स्टोर कराने की बजाय हम पूरी पूरी एंटिटीज़ को जो हैं वो सेव करवा सकें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पर आपके पास सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्लास बेसिकली क्या होती है, क्लास को हम अच्छी तरह समझेंगे, उसके बाद हम फिर हम आगे मूव करेंगे कि क्लासेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और ऑब्जेक्ट्स का क्या काम होता है। मैं भी ऑब्जेक्ट्स पे नहीं आ रहा, आप सिर्फ क्लासेस को पहले समझें, ठीक है, उसके बाद हम मैं कोशिश करूँगा इसी लेक्चर के अंदर ऑब्जेक्ट्स को भी जो है वो बड़ी डिटेल में समझा दूँ, ताकि आपको चीज़ों का जो है वो एक दफ़ा क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगे बेसिकली ये चीज़ क्या है और किस तरह से काम करिए। हम ये कहते हैं कि अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ रियल लाइफ एंटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी एग्जांपल्स पे पहले बात करूँ, मैं दोबारा बाद में उसकी तरफ आता हूँ कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ कार, वी हैव अ मोबाइल फ़ोन, वी हैव अ स्टूडेंट, वी हैव फ्रूट्स, वी हैव रेडियोज, ठीक है, तो हम इसको बेसिकली क्लासेस कह सकते हैं। अगर हम क्लासेस को इंग्लिश की वर्ड में देखें तो हम ये कहेंगे कि जो नाउन होता है, ठीक है, या जो एंटिटी होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्लास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ ब्लू प्रिंट किस चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने कार आती है तो आप क्या कहेंगे कि कार कुछ इस टाइप की होगी, कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है। मोबाइल फ़ोन की तरफ अगर आप आएँ तो आप ये कहेंगे कि उसके अंदर कुछ स्क्रीन्स होंगी, ठीक है, उसके ऊपर कोई बटन लगे हुए होंगे, ठीक है, उसके ऊपर कुछ मटीरियल होगा और आप इस तरह का एक मोबाइल फ़ोन। एक स्टूडेंट है तो आप कहेंगे ये कोई पर्सन होगा, ठीक है, लेट से सो दिस इज़ स्टूडेंट। अब कोई फ्रूट है तो आपके जहन में फल आ जाएगा, ठीक है, कोई फ्रूट आ जाएगा कि वो बेसिकली किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेडियो है तो आपके जहन में आ जाएगा कि कोई रेडियो किस टाइप का होता है, ठीक है, गाड़ी के अंदर रेडियो लगा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं ओल्ड स्टाइल रेडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो आपके जहन में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो लाए करेंगी कि इस तरह का कुछ रेडियो का आपके साथ सेशन है, तो आपके जहन में एक ब्लू प्रिंट सा बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि कुछ ये उसकी एग्जाम्पल्स आ गई, लाइक कार्स आ सकती हैं, फोन्स आ सकती हैं, शेप्स आ सकते हैं, पर्सन्स आ सकते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो क्लास होती है। प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम प्रोग्रामिंग के हवाले से देखेंगे, प्रोग्रामिंग में क्लास बेसिकली क्या होती है, तो हम ये कहते हैं कि इन प्रोग्रामिंग वी से दैट इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप देखी, फ्लोट डाटा टाइप देखी, अब हम अपनी मर्जी की जो है वो डाटा टाइप बनाने की कोशिश करेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी हम लोगों ने पहले फंक्शंस देखे थे, फंक्शंस शुरू में जो हम लोग फंक्शन यूज़ करते रहे, लाइक हमारे पास जो फंक्शन हम लोग जिस तरह स्ट्रिंग के फंक्शंस हम लोगों ने यूज़ किए, हम लोगों ने स्क्वायर रूट के लिए SQRT वाले फंक्शन यूज़ किए, साइन लॉग टेन, वो हम लोगों ने कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करवा के किए, उसके बाद हम लोगों ने अपने फंक्शंस बनाना सीखे,
ठीक है, अपने फंक्शंस बनाने के बाद आज लोग हम अपनी डेटा टाइप भी बनाना सीखेंगे, ठीक है, कि वो किस तरह से बनती है। तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारी अपनी डेटा टाइप होती है जिसको हम अपनी मर्जी से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ योर क्लास, ठीक है। इसको हम बेसिकली मॉडल भी कहते हैं और इसको हम बेटे स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है, कि ये बेसिकली क्या है प्रोग्रामिंग में हम इसको एक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अगर हम सी की बात करें तो वहाँ पर स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, बेसिकली ये एक आर्किटेक्चर है पूरा, क्लासेज जो है वो एक आर्किटेक्चर है पूरा, ठीक है। अब बेसिकली इनसाइड द क्लास क्या होता है, ठीक है, एक क्लास के अंदर क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो क्लासेस कहते हैं कि द क्लासेस कंसिस्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि स्पेसिफिकेशन और एंड उसकी फंक्शनैलिटी, यानी कि अगर हम कार पे आते हैं तो कार की कुछ ना कुछ कोई उसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी स्पेसिफिकेशन होंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये कार है तो इसका कोई ना कोई नेम होगा, ठीक है, ये कार है सो इसके अंदर क्या होगा, इसका कोई नेम होगा, इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है, कैपेसिटी के बाद इसका कोई मॉडल होगा, ठीक है, इसकी डेट ऑफ इश्यूएंस होगी, ठीक है, इसका टोकन नंबर होगा, ठीक है, इसका इंजन नंबर होगा, ठीक है, इसका चेसिस नंबर होगा। सो दीज आर कॉल्ड स्पेसिफिकेशन और इसकी हम लोग कह सकते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसकी दूसरी चीज़ आती है फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है, अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी दें तो हम ये कहेंगे कि गेट स्पीड, ठीक है, अप्लाई ब्रेक्स, सो हम ये कह सकते हैं गेट स्पीड अप्लाई ब्रेक्स। सो वी हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटी जो कि एक गाड़ी जो है वो परफॉर्म करती है, ठीक है। अब वो या तो स्पीड कर सकती है, ठीक है, गेन कर सकती है, चेंज गियर कर सकती है, सो दीज आर द फंक्शनैलिटीज। सो दो चीज़ें किसी भी क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक उसकी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी स्पेसिफिकेशन और दूसरी चीज़ होती है उसकी फंक्शनैलिटी। अगर हम मोबाइल फ़ोन्स का देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन का भी कोई ना कोई नेम होगा, मॉडल होगा, ठीक है, इसका MI नंबर होगा एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी पे जाएंगे तो फंक्शनैलिटी पे हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, मेक कॉल, रिसीव कॉल, ठीक है, सेंड मैसेज, रिसीव मैसेज एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड फंक्शनैलिटी, ठीक है। करेक्टरिस्टिक स्पेसिफिकेशन और फंक्शनैलिटी के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कोई ना कोई नेम होगा, उसकी कोई ना कोई क्लास होगी, ठीक है, उसका कोई ना कोई रोल नंबर होगा, उसका कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ होगी। अच्छा फंक्शन, अब फंक्शंस जो है वो स्टूडेंट क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, स्टूडेंट ने एग्ज़ाम देना है, ठीक है, स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है, तो ये इसका एक फंक्शन है। फंक्शन को मैं ये साथ ताकि आपको समझ में आ जाए कि दीज आर द फंक्शंस, ठीक है, उसने स्टूडेंट एग्ज़ाम्स दे सकता है, ठीक है, परफॉर्म रजिस्ट्रेशन, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन परफॉर्म कर सकता है, तो ये स्टूडेंट्स के फंक्शंस हो गए, ठीक है। अब फ्रूट है, ठीक है, तो फ्रूट हमारे पास जो है वो फ्रूट का नेम होगा, ठीक है, उसका ओरिजिन होगा, ठीक है, उसका बेसिकली वो कितने टाइम के लिए एक्सपायर होता है, कौन से सीज़न में आता है, ठीक है, तो ये सारी की सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, फ्रूट की कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होगी कि वो कौन सी बीमारी के लिए ज़्यादा बेहतर है या कौन से वक्त पे खाना चाहिए, सो दीज आर द फंक्शनैलिटीज़। रेडियो है, ठीक है, रेडियो में आपके पास काफ़ी सारे बटन्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने बटन हो सकते हैं, ठीक है, उसकी और उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, सॉरी बटन्स हो सकते हैं, उसकी कोई ना कोई स्टेट हो सकती है। अगर फंक्शनैलिटी पे जाएंगे तो उसका ऑन और ऑफ एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है, चेंज चैनल उसकी एक फंक्शनैलिटी है। सो दीज आर द बेसिकली एग्जांपल्स जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि क्लासेस की बेसिकली दो चीज़ें होती हैं क्लासेस की, एक उसके अंदर होती है करेक्टरिस्टिक्स या उसकी स्पेसिफिकेशन और दूसरी चीज़ होती है फंक्शनैलिटी। अब देखते हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से कि प्रोग्रामिंग में बेसिकली अगर हमने ये रियल लाइफ की एंटिटीज़ तो हम लोगों ने देख ली, ठीक है, रियल लाइफ की एंटिटी देखने के बाद हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक्स है या स्पेसिफिकेशन है इसको हम प्रोग्रामिंग में क्या कहेंगे फिर। अब हम अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है, इसको डाटा मेम्बर्स भी बोला जाता है, ठीक है, यानी कि ये जो स्पेसिफिकेशन है ये तो इंग्लिश का वर्ड है। अगर प्रोग्रामिंग में बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि क्लासेस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ उसके मेथड्स होते हैं, ठीक है। हम बेसिकली ये सारी वर्ड जो हैं वो यूज़ करते हैं, यानी कि जो वेरिएबल जो हमारे पास डाटा मेम्बर्स भी इसको कह लें, इसको वेरिएबल भी बोल लें, ठीक है, इसको एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है। और अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करें तो फंक्शनैलिटी को हम जो हैं वो मेथड्स कहते हैं, ठीक है, हम जो हैं वो इसको मेम्बर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है, कि हमने एक और चीज़ पढ़ी यहाँ पर कि क्लासेस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास होती हैं डाटा मेंबर्स और दूसरे होते हैं मेंबर फंक्शंस, ठीक है।
अब डेटा मेंबर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि नॉर्मल वेरिएबल जो होता है लाइक ए बी सी डी, जो हम लोगों ने पढ़े आम नॉर्मल रूटीन में प्रोग्रामिंग में, हम ये कहते हैं कि वेरिएबल्स डिफाइन इन साइड द क्लास आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स और मेंबर फंक्शन। सही हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमें ये पता लगा कि ये जो डेटा मेंबर्स होते हैं, ठीक है, डेटा मेंबर्स ये बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, आम नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन इनकी खसूसियत क्या होती है कि ये इनसाइड द क्लास जो है वो हमारे पास जो है वो डिफाइंड हुए हुए होते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट डेटा मेंबर्स, ठीक है। अब मेंबर फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को हम लोगों ने मेथड्स भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो हमारे पास मेंबर फंक्शंस भी है। सो जो नॉर्मल फंक्शन है, जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़े कि जो हम लोगों ने फंक्शनैलिटी डिफाइन करवाई है, सो फंक्शंस डिफाइन इनसाइड द क्लास आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लासेस को बहुत अच्छा समझ लिया कि क्लासेस बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है, हमारा कुछ आइडिया होता है, ठीक है, एक एंटिटी होती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि मेमोरी के अंदर ये जो है देयर इज नो एलोकेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है, इन रैम ये हमारे पास जो है वो मेमोरी एलोकेट नहीं करती, यानी कि अगर आपने कोई भी क्लास जो है वो डिफाइन कराई है तो मेमोरी के अंदर वो चीज़ एलोकेट नहीं होगी। मेमोरी के अंदर तब एलोकेट होगी जब हम उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है ऑब्जेक्ट का, तो हमने क्लासेस को पढ़ लिया, क्लासेस के अंदर तो कोई ऐसा कोई बात नहीं लिखी हुई, कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई, तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट के हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। आई होप कि आप लोगों को क्लासेस का जो कंसेप्ट है वो बड़ा अच्छा समझ में आ गया होगा कि हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कि हम जो रियल लाइफ की एंटिटीज़ हैं, जो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मॉडल करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने मॉडल बनाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, लाइक कोई गाड़ी है, लाइक हमारे पास जस्ट लाइक ये गाड़ी है, तो गाड़ी का कोई ना कोई मॉडल होगा, ठीक है। लाइक हमारे पास BMW है, ठीक है, हमारे पास ऑडी है, हमारे पास फरारी है, ठीक है, हमारे पास सुजुकी है, हमारे पास हुंडा है। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास ऑफ द क्लास कार, कि एक कार के काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो है ये सारी की सारी खसूसियत जो है वो फॉलो करेगा। इफ़ आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट्स की जितनी भी जो स्टूडेंट की क्लास के अंदर जितनी भी जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी डाटा मेंबर्स मेंबर फंक्शंस के अंदर डिफाइंड हो सकते हैं, मैं वो सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने हर ऑब्जेक्ट के लिए तो आपने काम नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल ऑडी है, तो ऑडी भी जो है वो उसके अंदर स्पीड होगी, ठीक है, उसके अंदर नेविगेशन सिस्टम होगा, ये सारी चीज़ें बाकी गाड़ियाँ भी जो हैं वो कर रही हैं, ठीक है, या उसके अंदर सस्पेंशन होगी, उसके अंदर गियर होगा, उसके अंदर इंजन होगा। सो ये सारी गाड़ियाँ जो हैं ये सारा काम कर रही हैं। तो हम एक पहले मॉडल डिफाइन करा लेते हैं, हम एक स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, ताकि हम उसके जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाएं तो कॉमन फंक्शनैलिटीज जो हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसको कर लें। नाम चें फॉर एग्जाम्पल फ्रूट है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन की हम लोगों ने एक क्लास बना ली, एक मॉडल, एक स्ट्रक्चर, एक आर्किटेक्चर हम लोगों ने बना लिया। अब हम ये कहते हैं कि जी इसके ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे फिर, फॉर एग्जाम्पल नोकिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोटरोला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग, फॉर एग्जाम्पल इनफिनिक्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओप्पो, ठीक है, सो दीज, फॉर एग्जाम्पल आईफोन, सो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास फोन, ठीक है, कि एक फ़ोन। अब उसके अंदर ये डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, सो हर फोन जो है उसका कोई ना कोई नाम होगा, उसका ना कोई मॉडल होगा, उसका कोई ना कोई MI नंबर होगा, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो और एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास जो है वो फंक्शनैलिटी, हर मोबाइल जो है वो आपके पास वो मेक कॉल करने के लिए, रिसीव कॉल करने के लिए, मेक मैसेजेस करने के लिए, सेंड मैसेजेस, रिसीव मैसेज, सो दीज काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज एंड एट्रीब्यूट्स दैट एवरी मोबाइल फ़ोन कैन परफॉर्म। सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कुछ क्लासेस और ऑब्जेक्ट का क्राइटेरिया हो गया। सो क्लासेस को अब आपने समझ लिया अच्छे तरीके से। अब मूव करते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को रियल लाइफ में क्या कहते हैं, ठीक है, और हम लोग जो है उसको किस तरह से डिफाइन करा सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट ऑब्जेक्ट्स। क्लास को हमने अच्छी तरह देख ली है, ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई एक इंस्टेंस है, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पर एक फोन है जो कि क्लास है, यानी कि एक मॉडल है, एक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक एब्स्ट्रक्शन है, यानी कि इसको आप एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक ये ब्लूप्रिंट है, ठीक है। आपके जहन में जब भी मोबाइल आएगा, जिसका मतलब है आपके जहन में कोई एक स्मार्ट कोई ऐसी डिवाइस आएगी, कंप्यूटिंग डिवाइस ही, जिससे आप लोग
काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं वो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया कि क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। डाटा मेंबर्स इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, उसका नाम हो सकता है, मॉडल नंबर हो सकता है एंड सो ऑन, जो उसकी क्लासिफिकेशन है। फिर इसी तरह इसके डाटा मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं कि हम उसे कॉल मिला सकते हैं और हम अपना एक मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो ये एक क्लास है पूरी, ठीक है। अगर हम इसको सो दिस पार्ट इज क्लास, क्लास के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली एक इंस्टेंस है। अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कहा कि जब हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं या क्लास को बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, तो मेमोरी के अंदर कोई स्पेस जो है वो नहीं लेता। अब तब तक नहीं लेता जब तक हम उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके जहन में एक मोबाइल आता है, ठीक है, कि आपने फ़ोन ख़रीदना है, तो जब तक आप लोग लेते नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल आईफोन आपने जहन बनाया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप क्रिएट कर रहे हैं, स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप लोगों ने आईफोन लेना है। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। सो इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? लाइक आईफोन है, सैमसंग है, नोकिया है, मोटरोला है, इन्फिनिक्स है, ओप्पो है। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। सो बेसिकली दिस इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है, कि क्लास का एक इंस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास स्टूडेंट की एक क्लास है और उमैर उसका एक इंस्टेंस है, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट, अब देखते हैं कि कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज़ द वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास। अब आप लोगों ने लेट सपोज हमारे पास ये लिखा हुआ है इंट ए, सो दिस इज़ योर डेटा टाइप, अगर हम प्रोग्रामिंग के हवाले से देखें, एंड दिस इज़ योर वेरिएबल, ठीक है। अगर हम वही प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं तो हमें कहा कि क्लास जो है वो डेटा टाइप होती है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं फ़ोन, ठीक है, ये हो गई हमारे पास डेटा टाइप। और इसका वेरिएबल, लाइक हम लोग ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं वो एक वेरिएबल है, तो लाइक हम लोग कहते हैं कि लाइक आईफोन। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड क्लास और डेटा टाइप, एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या और कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल हमने यहाँ पर भी पढ़े, ठीक है, लेकिन ये क्लास का वेरिएबल नहीं है, ठीक है। क्लास के अंदर जो चीज़ें डिफाइन होती हैं वो जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, उनको हम बेसिकली डेटा मेंबर्स बोलते हैं, ठीक। लेकिन ये जिस तरह डिक्लेयर करवाना, यानी कि मेन के अंदर आके आपने ये चीज़ डिक्लेयर करवाई ना, सो मेन के अंदर हम लोगों ने लिखा इंट ए, तो इंट आपके पास डेटा टाइप है, ए जो है वो आपके पास वेरिएबल है। इसी तरह फ़ोन जो है वो आपके पास डेटा टाइप है और आईफोन उसका एक वेरिएबल है, ठीक है। सो दैट इज़ द कंसेप्ट। अब क्या किया कि हम लोगों ने कहा कि एन ऑब्जेक्ट इज़ द वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास, ठीक है, कि जो वेरिएबल है यानी कि ऑब्जेक्ट है वो एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, वो क्लास, ठीक है। इट होल्ड्स द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। अब इस ये जो आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, आप लोगों ने देखा ये जो ए वेरिएबल है, ये हमें पता है इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपके पास वैल्यू जो है वो सेव करवाता है विदाउट डेसिमल, -3 +64 एंड सो ऑन। सो दीज आर द बेसिकली एग्जाम्पल्स, ठीक, जो हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये आईफोन कौन कौन सी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल आईफोन डॉट नेम एंड आईफोन डॉट मेक कॉल। सो कंसेप्ट वही है नॉर्मली कि आप लोग किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को जो है वो एक्सेस करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि क्लास की खुद कोई वक्त नहीं है, क्लास की कोई मेमोरी क्रिएट नहीं होती जब तक कि उसका ऑब्जेक्ट ना बन पाए। अब ऑब्जेक्ट क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को कौन एक्सेस कर सकता है? वो ये ऑब्जेक्ट है, कि एक ऑब्जेक्ट है वो आपके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली क्या है कि बेसिक एक क्लास है, सबसे पहले आपने एक मॉडल बनाया, फिर मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाया। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लास है और क्लास का एक सीआर है, सो अगर आपने काम करवाना है पूरी क्लास है, तो आप सीआर को कह देंगे वो पूरी क्लास उसके अंडर है, ठीक है, वो सारों को कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। सो दैट इज़ द बेसिकली कंसेप्ट। अब यहाँ पर कहता है मेमरी ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड वैन वी डिक्लेयर इट्स ऑब्जेक्ट, कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर जो है वो मेमरी क्रिएट होगी। और जो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या चीज़ें अपने अंदर होल्ड करते हैं, वो क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करा सकते हैं, वो जो उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि इस क्लास के वो डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिक पर्पस। और फिर हमने एक और बात की कि ये इसको हम इंस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, उसका एक टुकड़ा है, उसका एक हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर ये एक बहुत क्लियरली डिफाइंड एक एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने ये पूरी क्लास बनाई जिसके अंदर हम लोगों ने कहा कि डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, अब ये आईफोन है, तो आईफोन कैसे कर सकता है, हम लोग सबसे पहले डिक्लेयर करवाएंगे, डिक्लेयर कराने का तरीका, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में भी बहुत डिटेल में लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने एक्सेस करना है आईफोन डॉट नेम इज इक्वल्स टू
फॉर एग्जाम्पल एस एक्स मैक्स, ठीक है। सो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं आईफोन प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू डॉट मेक कॉल। सो यू कैन एक्सेस टू थिंग्स, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, जो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किए जा सकते हैं, डायरेक्ट आप क्लास के थ्रू कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट वॉज द सिनेरियो एंड दैट वॉज द पर्पज़। इसकी सेकेंड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास एक कार है जो कि हमारे पास एक क्लास है, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली एन एब्स्ट्रैक्शन, आपके जहन में एक आ गया होगा कि ये कार है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप मोबाइल फ़ोन का नाम लेते हैं तो आपके जहन में एक एब्स्ट्रैक्शन सी आ जाती है कि कुछ इस तरह की सीन होंगे और कुछ उसके ऊपर बटन्स होंगे, ठीक है, इस तरह का, जस्ट लाइक दिस, और इसके अंदर कुछ स्क्रीन्स होंगी लाइक दिस थिंग। सो ये फ़ोन थोड़ा सा कैलकुलेटर टाइप बन गया। सो एंड दैट इज़ बेसिकली कार, इसको थोड़ा सा ठीक बनाते हैं। सो आईफोन अगर बना रहे हैं हम, सो इस टाइप का कोई मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, और ये एक कार है। सो ये एब्स्ट्रैक्शन है। अगर हम इसकी ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं तो सुजुकी जो है वो इसका एक ऑब्जेक्ट हो सकती है, ऑडी जो है वो इसका ऑब्जेक्ट हो सकती है, और बीएमडब्ल्यू जो है वो इसका एक ऑब्जेक्ट हो सकती है, और दीज आर द कॉमन एट्रीब्यूट्स जो कि सारी गाड़ियाँ करती हैं। मतलब ये गाड़ी का भी कोई मॉडल होगा, इस गाड़ी का भी कोई मॉडल होगा, इस गाड़ी का भी कोई मॉडल होगा, और मेंबर फंक्शंस जो है वो सारी गाड़ियाँ स्पीड्स के लिहाज से भी, गियर चेंज के लिहाज से भी, और अप्लाई ब्रेक के लिहाज से भी कर सकती हैं। मतलब जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मॉडल की जो है वो सारे बेसिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो शेयर करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि प्रोग्रामिंग हम लोग किस तरह से C++ के अंदर क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।